नमस्कार। आज हम देख सकते हैं कांग्रेस कांग्रेस पार्टी टू अब उभर रही है। वो भी कहती है हम चुप नहीं रहेंगे। पूरे भारत में हर तरफ हल्ला हो चुका है, अब कांग्रेस वाले छोड़ेंगे नहीं। आज जो अग्निपथ की योजना के ऊपर विरोध में हमारे सामने में डीसीसी का अध्यक्ष श्री अश्विनी गुरुजी हमेशा लड़ुआ नेता, हमेशा लड़ते रहते हैं। आइए मिलेंगे अश्विनी गुरुजी से। हाँ सर, और सुने वो ठीक कौन आज ही सर जिन कार्यक्रम हो चाहिए कोई बैठी आज ही संबलपुर जिला कांग्रेस कमिटी तरफ ये विक्षोभ प्रदर्शन सत्याग्रह आयोजन करा जाए। सत्याग्रह करिवार एकमात्र उद्देश्य है जे वर्तमान जोभली भाव में केन्द्र सरकार अत्यंत गड़बड़िया भाव में दायित्वहीन भाव योजना को प्रणयन कले युव संप्रदाय हताश और निराश अंधकार तेणु प्रदेश युवक मैंने चलो बहुत बहुत धन्यवाद सुनिए जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। आइए मिलेंगे आप। अब हमारे सामने में हीराकूद के अध्यक्ष युवा नेता। हाँ सर, आज कोई भाई जो फोरम आपका नाम बताएंगे। हाँ सर, जो हमें कहाँ पाई चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम देखते हैं सर जो है खुद लेबर इलाका में वहाँ दो दो तीन तीन फैक्ट्री वो हमेशा लड़ते रहते हैं। जब देखते हैं लेबर कोई भी लेबर हो चाहे आर्मी हो पुलिस हो हर किसी के लिए लड़ाई करते हैं। जब उन्होंने सुना कि अग्निपथ का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए लड़ रहे हैं। आपकी आवाज़ संबलपुर जसवीर सिंह की रिपोर्ट। हाँ सुनो सुन। हाँ मैडम अपना ना ना रखे आज्ञा। हाँ थैंक यू। आप हीराकूद रही जो हाँ आज ये जाए जो कौन कण कण करे आज्ञा। आज बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अपन जनता लड़ुबे भी हंता अपन को जे भी देखे डोरे पोलावा अपन जहाँ डिमांड करबे तहाँ आवा। आपकी आवाज़ संबलपुर जसवीर सिंह की रिपोर्ट। जोहार जोहार।